हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे। और आज पेश करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास 11 के लिए वीडियो नंबर 9। हमारी पिछली जो वीडियो आई थी वीडियो नंबर 8, उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है। हमने टोटल यूटिलिटी का मतलब समझा कि टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग द गिवन अमाउंट ऑफ कमोडिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब समझा कि एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। हम लोगों ने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशन भी देखा, हमने वहां शेड्यूल बनाया था, ग्राफ बनाया और उनकी रिलेशनशिप डिफाइन करी थी। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सर ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम्स के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये टॉपिक है सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको बहुत सारे लोग लॉ ऑफ डीएमयू भी कहते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी ध्यान से सुनना, ये एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सर आपको बहुत तेज भूख लग रही थी, आपने चपाती खाई, सर आपको बहुत तेज भूख लग रही थी, आपने खाना खाया, खाना खाने बैठे, सर पहली चपाती आई, पहली चपाती में आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा बताइए। आपको बहुत तेज भूख लग रही थी, सर आपने चपाती खाई, सर फर्स्ट चपाती में आपको सेटिस्फेक्शन सेकंड चपाती के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। फर्स्ट चपाती में सर नॉर्मल सी बात है, पहली बार हम लोग, हमारे को बहुत तेज भूख लगी, पहली चपाती खाएंगे तो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सेकंड चपाती खाओगे, पहली वाली से सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? सर नॉर्मल सी बात है, जो पहली वाली में सेटिस्फेक्शन आया वो सेकंड वाली में नहीं आएगा। हाँ हो सकता है उससे थोड़ा सा ही कमाया हो, पर आएगा उससे कम। थर्ड आपने चपाती खाई और थोड़ा कमाया, फोर्थ खाई और थोड़ा कमाया, पता चला फिफ्थ चपाती, तो फिफ्थ चपाती तक सेटिस्फेक्शन आ ही नहीं रहा, अब आपका पेट भरने लग गया। सर मैंने आपको जबरदस्ती सिक्स्थ चपाती भी खिलाई, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि नहीं सिक्स्थ ये तो खानी पड़ेगी एक और। जब आपने सिक्स्थ चपाती भी खाई तो होगा क्या कि सर आपके पेट में दर्द होने लग जाएगा, पेट भर जाएगा आपका, बहुत ज्यादा पेट भर जाएगा। फिर भी अगर मैंने जबरदस्ती आपको सेवंथ चपाती भी खिला दी मान लीजिए, तो होगा क्या? सर आप बोलोगे सर वॉमिटिंग हो जाएगी, हम लोगों ने जो भी खाया सब बाहर आ जाएगा, क्योंकि सर पेट में जगह नहीं है। पहली चपाती खाई अच्छा लगा, खाना बहुत अच्छा लगा, सेकंड में भी अच्छा लगा, पर फर्स्ट से कम अच्छा लगा। तो पहली में सेटिस्फेक्शन ज्यादा, सेकंड पे कम, थर्ड पे और कम, फोर्थ पे और कम, फिफ्थ पे सेटिस्फेक्शन ही नहीं है सर, सिक्स्थ में सर जितना खाया बाहर आ जाएगा अगर और एक्स्ट्रा खा लिया तो समझना। हम लोग जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते चले जाते हैं, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। सुनना क्या बोल रहा हूं, हम लोग जैसे जैसे कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपको बहुत तेज प्यास लगी, आपने पहली ग्लास पानी की पी, तो बताइए पहली ग्लास पानी में सेटिस्फेक्शन ज्यादा आएगा या सेकंड ग्लास पानी में सेटिस्फेक्शन ज्यादा आएगा? पहली ग्लास पानी में, सेकंड ग्लास में सेटिस्फेक्शन कम हुआ, आपने थर्ड ग्लास पानी का पिया और कम हुआ सेटिस्फेक्शन, अब सर आपका पेट भरने में आया, फिर भी आपने फोर्थ ग्लास लिया, ठीक है, अब क्या फोर्थ ग्लास में आपको फर्स्ट ग्लास जैसा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्या? नहीं, फर्स्ट ग्लास में सर पता है सेटिस्फेक्शन ज्यादा था, सेकंड में थोड़ा कम हुआ, थर्ड में सेटिस्फेक्शन और कम, फोर्थ में बिल्कुल कम हो गया। अगर आपने फिफ्थ ग्लास पानी का पी लिया तो सर पता है कि सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं मिलने वाला, जीरो हो जाएगा सेटिस्फेक्शन। और फिर भी अगर आपने सिक्स्थ ग्लास पानी का पी लिया तो हालत क्या होगी आप खुद जानते हैं। अभी समझना मैं क्या बोल रहा हूं, सर जैसे जैसे हम लोग किसी भी कमोडिटी को एडिशनली कंज्यूम करते जाएंगे उससे मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा। सुनना वापस क्या बोला कि सर जैसे जैसे हम लोग किसी भी कमोडिटी की ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग किसी भी कमोडिटी की ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे उससे हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। आप किसी भी कमोडिटी की ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करिए, हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसी चीज को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक बार ध्यान दीजिएगा क्या बोला है कि सर इट स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी
देन सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एडिशनल कमोडिटी, जिसको क्या बोलते हैं, एमयू, सेटिस्फेक्शन फ्रॉम एडिशनल कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी होता है, गोज ऑन डिमिनिशिंग। जैसे जैसे हम लोग किसी भी कमोडिटी की ज्यादा से ज्यादा यूनिट को कंज्यूम करेंगे, हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा। पहली क्लास पानी की थी, मान लीजिए मैं सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में अगर बात करें तो मैंने बोला पहली क्लास पानी से मुझे 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। सेकंड क्लास पानी की भी मुझे सेटिस्फेक्शन मिला मान लीजिए 80 यूटिल्स का, क्योंकि कम होगा, सिंपल सी बात है। थर्ड क्लास पानी की भी मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 50 यूटिल्स का। फोर्थ क्लास पानी की भी मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 20 यूटिल्स का। फिफ्थ क्लास पानी की भी मुझे जीरो सेटिस्फेक्शन मिला सर। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे मैं पानी की ग्लास ज्यादा पीता जाऊंगा, हर एक एडिशनल ग्लास से मेरा एडिशनल सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आई बात समझ में? उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एडिशनल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, इट सेज दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी देन सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एडिशनल कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। आ गया समझ में? ठीक है। अब सर, जब भी मैंने आपको बोला था, जब पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बात करी थी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर कोई भी लॉ देखोगे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अजम्पशन जरूर होगा, तो वैसे ही इस लॉ के पीछे भी कुछ अजम्पशन है। सबसे पहला अजम्पशन देखिए क्या बोला है, कि मतलब अगर ये अजम्पशन होंगे तो ही ये लॉ काम करेगा, अगर इसमें ये अजम्पशन नहीं होंगे तो ये लॉ काम नहीं कर सकता। पहला अजम्पशन देखिए, देयर शुड बी नो टाइम गैप बिटवीन कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स। सर कोई भी टाइम गैप नहीं होना चाहिए गुड्स को कंज्यूम करने के बीच में। मान लीजिए आपने बोला कि सर पानी की ग्लास अभी पी रहा हूं, फिर आप एक घंटे बाद वापस पानी पीते हैं, तो अभी जो सेटिस्फेक्शन मिला वही सेटिस्फेक्शन आपको एक घंटे बाद भी मिलेगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि दो, जब आप कंजम्पशन चालू करेंगे तब किसी भी दो यूनिट्स के बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने सुबह चपाती खाई वो सेटिस्फेक्शन मिला, रात को चपाती खा रहे हैं आप वही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों कमोडिटीज के बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ कंटीन्यूअस कंजम्पशन, लगातार कंज्यूम करिए तब पता चलेगा कि सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? पानी की ग्लास, पानी से देखना चाहते सेटिस्फेक्शन, पानी लगातार पीजिए, पहली ग्लास पी, फिर उसके बाद फिर उसके बराबर बाद आप क्या कीजिए, सेकंड ग्लास पानी पीजिए, फिर उसके जस्ट बाद थर्ड ग्लास पीजिए। ऐसा नहीं कि अभी फर्स्ट क्लास पी, 20 मिनट बाद सेकंड क्लास, 20 मिनट बाद थर्ड क्लास, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो टाइम गैप बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ टू कमोडिटीज। ठीक है, नेक्स्ट, देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सेटिस्फेक्शन को मेजर करने की एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। हम लोग इस चैप्टर में सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, किसमें मेजर करेंगे, यूटिल्स में। तो आप सेटिस्फेक्शन को समय आप सभी यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन किस में मेजर करिए, यूटिल्स में मेजर करिए। थर्ड देखना क्या बोला है, कंज्यूमर शुड बी रैशनल, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। रैशनल का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? देखिए रैशनल का मतलब होता है समझदार। कंज्यूमर क्या होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। समझदार का मतलब क्या, सर आपने पहली ग्लास पानी की भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 2, 3, 4, 5 एक लिमिट तक पी पाएंगे, बट कंज्यूमर को समझदार होना जरूरी है कि यार 5 के बाद 6 पीऊंगा ना तो सेटिस्फेक्शन मिलने की वजह एग्रेशन आएगा, कि सर गुस्सा आने लग जाएगा नहीं पीना पानी, क्यों, हो सकता है आपका पेट दर्द करने लग जाए। तो बात यह आ रही है कि कंज्यूमर समझदार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कंज्यूमर सोचे कि नहीं इस लॉ को फेल करना है मैं तो पीते जाऊंगा, ऐसा नहीं। कंज्यूमर शुड बी रैशनल, कंज्यूमर समझदार होना चाहिए। नेक्स्ट, क्वालिटी क्वांटिटी एंड साइज ऑफ द गुड्स शुड बी कॉन्स्टेंट। समझना ध्यान से, गुड्स की क्वालिटी, गुड्स की क्वांटिटी और गुड्स की साइज, जिनको आप लगातार कंज्यूम कर रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। मतलब क्या, सर आपने पहले तो ग्लास पानी का पिया मान लीजिए इतना सा, फिर आपने सेकंड ग्लास पानी का पिया इतना, फिर आपने थर्ड ग्लास पानी का पिया इतना, तो सर साइज अगर सेम नहीं होगा तो हम नहीं बता पाएंगे कि सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो साइज, पहली बात तो गुड्स की साइज सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट, सर गुड्स की क्वालिटी भी सेम होनी चाहिए। गुड्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मान लीजिए आपने क्या किया, पिज्जा खाया सर, पिज्जा खा रहे हैं, आपने पिज्जा के बाइट्स लिए सर, आपने पिज्जा के स्लाइसेस लिए, स्लाइसेस में
पहला तो स्लाइस लिया आपने डोमिनोज का, सेकंड स्लाइस लिया आपने पिज्जा हट का, थर्ड स्लाइस आपने किसी और यू कहें कि पिज्जा का लिया किसी और बेकरी का। अब होगा क्या, आप अलग अलग क्वालिटी टेस्ट करेंगे तो हो सकता है पहले वाले का टेस्ट अच्छा नहीं हो, सेकंड वाले का टेस्ट ज्यादा अच्छा हो, तो आपको सेकंड वाले में सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। तो बात क्या आ रही है, क्वालिटी हमेशा सेम रहनी चाहिए हर एक कमोडिटी की जिसको आप लगातार कंज्यूम करने वाले हैं। आई बात समझ में, ऐसा नहीं है पहले वाला पिज्जा खाया था सर अच्छा नहीं लगा, सेकंड पीस जो खा रहा हूं ना उसका टेस्ट बहुत शानदार है, तो आप सेकंड पीस पे आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सर क्वालिटी चेंज हो गई, तो क्वालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। थर्ड, क्वांटिटी की बात करते हैं। सर आपने पहले पिज्जा का पीस खाया, मान लीजिए ये इतना सा, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, सेकंड में आपके पास पिज्जा का बड़ा पीस आ गया, तो ये नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में, क्वालिटी सेम होनी चाहिए, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होनी चाहिए। देयर शुड बी नो डिफरेंस इन क्वालिटी क्वांटिटी एंड साइज ऑफ द कमोडिटी। अगर डिफरेंस होगा तो सर बिल्कुल ये लॉ फेल हो जाएगा, ये लॉ काम नहीं करेगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं, इनकम शुड बी कॉन्स्टेंट। कंज्यूमर की इनकम क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। इनकम कॉन्स्टेंट होने का मतलब है कि सर कंज्यूमर को पता हो कि मेरे पास कितने पैसे हैं और कितना खर्च करना है। अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है तो वो ये डिटरमाइन नहीं कर पाएगा कि सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जेब में 10 रुपए, आप पानी बताशे खाने गए, उसने बोला भैया 10 के 6 मिलेंगे, ठीक है आपने 6 खा लिए। अब आपको लगा यार नहीं मेरे पास 10 रुपए और है, अब आप 10 रुपए के और पानी बताशे खाएंगे, तो पहले 6 में जो सेटिस्फेक्शन मिला ना वो सेटिस्फेक्शन आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे अगले 6 और में। क्यों, क्योंकि अब आपकी इनकम चेंज हो चुकी है। तो इनकम क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। इनकम अगर चेंज हो जाएगी तो आपके सेटिस्फेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन प्रीशियस थिंग्स सच एज गोल्ड सिल्वर डायमंड पर्ल्स एक्सेट्रा। ये लॉ कभी भी प्रीशियस थिंग्स पे काम नहीं करता है। गोल्ड की बात करें, ऐसा है क्या कि सर आप कभी गोल्ड की आइटम डायमंड या सिल्वर का कुछ परचेस करने जाओ तो आप बोलोगे नहीं सर एक चीज परचेस कर ली अब ज्यादा की इच्छा नहीं हुई, अब अगली बार जो भी खरीदेंगे उससे सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा। जनरली प्रीशियस थिंग्स में हम लोगों का क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हम लोगों के पास अगर प्रीशियस थिंग ज्यादा होगी तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। आप गोल्ड अगर ज्यादा खरीद रहे हैं तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, सिल्वर डायमंड ज्यादा खरीदेंगे तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, उनमें सेटिस्फेक्शन कम नहीं हो सकता। तो दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन प्रीशियस थिंग्स सच एज गोल्ड सिल्वर डायमंड एटसेट्रा। आया समझ में, लॉ में क्या बोला, किसी भी कमोडिटी की ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करिए, हर एक एडिशनल कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके पीछे कुछ असम्पशंस काम करेंगे। पहला असम्पशन कि सर देयर शुड बी नो टाइम गैप नहीं होना चाहिए। सेकंड असम्पशन हम लोगों ने बात करी कि सर देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आप जो सेटिस्फेक्शन को मेजर कर रहे हैं उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। थर्ड हम लोगों ने बात करी कि सर कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। फोर्थ, क्वांटिटी क्वालिटी साइज सेम होनी चाहिए। फिफ्थ, कंज्यूमर की इनकम कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। और सिक्स, ये लॉ प्रीशियस थिंग्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। आई बात समझ में। एक बार ये फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग बात करते हैं फास्ट। देखिए अब हम बात करते हैं कि सर अगर एग्जाम में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको उसका आंसर कैसे लिखना है। आप सबसे पहले लॉ एक्सप्लेन करेंगे कि लॉ क्या कहता है। आप उसमें लिखेंगे कि दिस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ एन कमोडिटी देन एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग ईच एडिशनल कमोडिटी गोस ऑन डिमिनिशिंग। फिर आपको इसमें इसके 6 असम्पशंस लिखने जो मैंने हम लोगों ने अभी देखे थे। 6 के 6 असम्पशंस आप लोगों को एग्जाम में लिख के आना है। उसके बाद में आपको एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल बहुत ईजी है। क्वांटिटी मार्जिनल यूटिलिटी, क्वांटिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, हम लोग शुरू करेंगे 40 से। 40, 30, 20, 10, 0, -10। आपको ध्यान रखना है कि सेटिस्फेक्शन हमेशा कम करना है, इसलिए 40, 30, 20, 10 एक बार जीरो लेके आना है फिर माइनस में लिखाना है। इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ ये ग्राफ, ये जीरो पे कुछ नहीं होता, जीरो क्वांटिटी पे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होता है,
तो प्लीज इसको आप y एक्सिस से टच मत करिएगा इस ग्राफ को, ये y एक्सिस पे टच नहीं होगा, क्योंकि y एक्सिस पे टच होने का मतलब है जीरो क्वांटिटी पे सेटिस्फेक्शन, दैट इज नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में? ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ हो गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग जीरो पे टच करेगा और नेगेटिव जाएगा। आई बात समझ में? इट शुड नॉट टच y एक्सिस। y एक्सिस पे टच होने का मतलब है ये हमारा इधर मार्जिनल यूटिलिटी है बेटा, और ये इधर यूनिट्स, ठीक है। तो जीरो पे टच होने का मतलब क्या हुआ कि जीरो यूनिट पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो पॉसिबल ही नहीं है। बिना कुछ खाए क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है? क्या नहीं मिलता। तो इसीलिए स्टार्ट कहां से होगा? वन यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। आपको ये बनाना है, एक बार फटाफट बना लीजिए पॉज करके, आगे अपन बात करते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने बात करी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। ये काफी अच्छा लॉ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी इजी है। अगर आपको एक बार में समझ में आ जाए तो याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इजीली लिख सकते हैं। यहां पे हम लोगों ने आज अजम्पशंस देखे, उसके शेड्यूल और ग्राफ सब चीज देखी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आप लोगों को ये लॉ समझ में नहीं आया है तो मुझे एक बार अपने डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, आप मुझे कॉल टेक्स्ट या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपका ये लॉ, जो भी आपका डाउट आता है इस लॉ में, वो सब क्लियर कराऊंगा। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को 11th कॉमर्स का ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, वहां ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू होने वाली है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेगी अकाउंटेंसी के अंदर। तो जब तक लॉकडाउन है तब तक हमारी जो क्लासेस है वो फ्री है, जब तक ये कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है, जब तक हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लासेस और यूं कहेंगे स्कूल्स वगैरह ऑफ है, तब तक ये क्लासेस मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, आप में से जिसको भी ज्वाइन करना है मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू एंड बाय।